एक बार फिर जयपुर राजस्थान से भाई पानीपुरी का मशीन लेने के लिए आए। एक भाई का कमेंट था कि कोई जयपुर से आए तो उनके साथ में जरूर बातचीत कराना, तो इनके आसपास के भाई आपका कमेंट के अनुसार हम वीडियो बना रहे हैं। आपका नाम बताएं। सुमित श्रीवास्तव। सुमित जी, ये मशीन आपने सर्वप्रथम कहाँ देखा है? सर्वप्रथम मैंने यूट्यूब पे देखी थी और फेसबुक वीडियो पे देखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मशीन मुझे अच्छी लगी, उस पर जो भैया थे जिन्होंने बताया इस मशीन के बारे में, उनका समझाने का तरीका अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, इस मशीन का जो मैनुअल है, हमारा इलेक्ट्रिक का खर्चा बच रहा है, इलेक्ट्रिकल का। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो पानी पूरी निकली वो हाइजीनिक रहेगी, कोई बिजली का कुछ नहीं रहा, ना कोई करंट का खतरा, ना ही कोई झटके का खतरा। तो एक घर का बच्चा भी इजीली इसको चला सकता है। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा फ़ायदा लगा इस मशीन का। आपकी जो मशीन आपने बनाई है बहुत अच्छी और सुंदर मशीन बनाई है, तो इसलिए मैं इतनी दूर मशीन लेने के लिए आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बस यही बात है। अच्छा, आपका नाम बताएं। प्रभुलाल प्रजापत। प्रभुलाल जी, प्रजापत। अच्छा, प्रजापत में तो ये 90% बिजनेस पानीपुरी का ही करते हैं राजस्थान वाले तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप जयपुर की निवासी हो? नहीं, मैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आसिन तहसील का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये अपने जयपुर में कितने समय से धंधा कर रहे हो? जयपुर हम 2004 से। अभी 10 रुपये की कितनी पूड़ी दे रहे हो वहाँ पे? 10 रुपये की 5 पूड़ी देते हैं। 10 रुपये की 5 पूड़ी देते हैं। थोड़ा ये आपके हिसाब से, माना कि 100 रुपये का धंधा हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना रहता है इस बिजनेस में? 50%। अच्छा 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 अच्छा, तो जो बेरोजगार लोग हैं, थोड़े आप पढ़े लिखे अच्छे बोल रहे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं समझते हैं पानीपुरी से क्या पैसा कमाया जा सकता है, और नौकरी के चक्कर में पीछे घूमते रहते हैं, 35 साल तक पढ़ाई करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, वापस जॉब पे आ जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? जो बेरोजगार हैं पढ़ाई करने के बाद भी, अपना खुद का अगर स्वयं का रोजगार छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो छोटा सेटअप होता है, तो स्टार्टअप ये बहुत अच्छा है पानीपुरी का। आप इसको होलसेल में भी सप्लाई कर सकते हो। अगर आप ठेला लगाने में आपको शर्म आती है, तो अपना आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और इजीली जो लॉरी वाले हैं, जो पताशी पानीपुरी के जो ठेले लगाते हैं, आप उनको सप्लाई दे सकते हो। तो वो सप्लाई देने से वो भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहोगे, 2 पैसे आपको मिलेंगे, 2 पैसा ठेले वाला भी कमा लेगा, और उसका फिजिकल जो उसकी मेहनत है, वर्क है, वो उसको नहीं करनी पड़ेगी। सुबह सुबह आटा मारना, पूड़ी बेलना, उसको तेल में निकालना, उसको पैक करना, तो ये माथा पूड़ी लॉरी वाले की भी ख़त्म हो जाएगी। तो 2 पैसे वो बचाएगा, 2 पैसे एक होलसेलर बचा लेगा, तो इस मशीन का ये फ़ायदा है। अच्छा, आप लारी कहाँ लगाते हो? मेरा पास लारी का काम नहीं है, मैं तो होलसेलिंग का काम करता हूँ। अच्छा, होलसेलिंग जी। क्या 100 रुपये में कितना देते हो? 100 रुपये मेरा 1000 की पैकिंग है, वो देता हूँ मैं 550 रुपये में। अच्छा, 55 रुपये की 100 हो गई। अच्छा, बहुत सारे भाइयों का थोड़ा डिस्टर्ब रहता है कि ये सीजनेबल बिजनेस है, क्या है आपका अनुमान? 12 महीने चलता है? 12 महीनों का धंधा है, लड़कियों की तो बहुत फेवरेट चीज़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी पूरी तो लड़कियों की बहुत फेवरेट चीज़ है, और लड़के भी सीख गए खाना। हाँ हाँ, तो ये क्या है, बेस्ट बिजनेस है, और ज़्यादा पूरे दिन का है नहीं, शाम को लगा और नोट जेब में डाल के घर ले जाओ। दोस्तों, एक बार आपको भी सोचना चाहिए, पानीपुरी का बिजनेस अगर आपको करना नहीं आता, मैं सिखा दूंगा, ट्रेनिंग देने वाला, और आप ट्रेनिंग के लिए कॉल कर सकते हो, पूरा पानीपुरी सिखाऊंगा, रगड़ा बनाना, चटनी बनाना, पानीपुरी बनाना, सब कुछ। ट्रेनिंग सेंटर हमारा अलग लगा हुआ है, उस वो जो बेरोजगार लोग भाई हैं जो दूसरी जगह 10 साल 15 साल नौकरी करके बिजनेस सीखना चाहते हैं, मेरे यहाँ सिर्फ 4 दिन में सिखा दूंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, ये वीडियो उन भाइयों को ज़रूर शेयर करें जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।